आज समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त श्री नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में वयस्क बीसीजी टीकाकरण अभियान से संबंधित द्वितीय जिला स्तरीय टास्क फोर्स का बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने वयस्क बीसीजी टीकाकरण से जुड़े निम्न बिंदुओं पर आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीसीजी टीकाकरण अभियान के तहत बीसीजी का टीका 18 वर्ष से अधिक आयु के 6 श्रेणियों के व्यक्तियों को लगाया जाएगा, जिन व्यक्तियों को पूर्व में टीवी हुई हो, टीवी संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों, 60 वर्ष और उससे अधिक के बुजुर्ग, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति, मधुमेह के मरीजों को बीसीजी का टीका लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग के द्वारा जिला स्तरीय प्रशिक्षण को पूरा कर लिया गया है। प्रथम सप्ताह के अंदर प्रखंड स्तर पर सभी प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा, साथ ही तीसरी सप्ताह तक सर्वे एवं चौथी सप्ताह तक माइक्रो प्लान पूरा कर लेना है, जिससे वयस्क बीसीजी टीकाकरण स्वरूप सफल बनाया जा सके, अर्थात जुलाई, अगस्त एवं सितंबर में सफल पूर्वक टीकाकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने आपसी समन्वय के साथ माइक्रो प्लान तैयार कर उक्त अभियान को सफल बनाएंगे। समाज कल्याण विभाग संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराएंगे एवं जिन क्षेत्र में सहिया नहीं है वहां सेविका सहयोग करेगी, साथ ही कुपोषण उपचार केंद्र, सदर अस्पताल में आवश्यक सामग्री, ब्लड बैंक, ब्लड डोनेशन कैंप, RI एवं इलेक्शन से संबंधित समीक्षा की गई। इस दौरान मौके पर सिविल सर्जन गिरिडीह, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक DRCHO, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, उपाधीक्षक सदर अस्पताल, DPM, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, डाटा पर्सन, सभी BTT, CDPO, LS, WHO एवं स्वयंसेवी संस्था उपस्थित हैं।